लॉकडाउन का पालन करवा रहे पुलिसकर्मी भी कोरोना संक्रमण की चपेट में आ रहे हैं। आंकड़े की बात करें तो करीब 2 दर्जन से ज्यादा पुलिसकर्मी कोरोना संक्रमण से संक्रमित है। इन सभी पुलिसकर्मियों का कोविड सेल द्वारा ध्यान रखा जा रहा है। दरअसल उज्जैन में लॉकडाउन का पालन करवाने में करीब 2 दर्जन पुलिसकर्मी कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। इनमें से 4 पुलिसकर्मियों को अस्पताल में भर्ती किया गया है, तो वहीं बाकी पुलिसकर्मी का होम आइसोलेशन में इलाज किया जा रहा है। इन सभी पुलिसकर्मियों का कोविड सेल द्वारा ध्यान रखा जा रहा है। आपको बता दें कि उज्जैन SP सत्येंद्र कुमार शुक्ल जवानों की इम्यूनिटी बढ़ाने और सुरक्षा के साथ साथ ड्यूटी करने के लिए भी उन्हें एक सुरक्षा किट बांट रहे हैं। SP सत्येंद्र कुमार शुक्ल ने कहा कि 24 पुलिसकर्मी कोरोना संक्रमित हैं, जिनमें से 4 अस्पताल में भर्ती है। कोविड सेल सभी का ध्यान रख रही है, वे लगातार पुलिसकर्मियों से संपर्क में रहती है। आज सवेरे तक की स्थिति में हमारे 24 कर्मी अभी पुलिस संक्रमित, जो 24 पुलिसकर्मी हैं संक्रमित हैं, जिसमें 4 लोग हॉस्पिटल में इलाजरत हैं, बाकी लोग होम आइसोलेशन। नहीं, हमारी एक कोविड सेल बनी हुई है। कोविड सेल हमारे पूरा ये ध्यान रख रही है 24 घंटे कि हमारे ऐसे पुलिस परिवार या ऐसे पुलिसकर्मी जिनको किसी तरह की चिकित्सा की आवश्यकता हो या कोविड संक्रमण के संदर्भ में कोई भी उनकी आवश्यकता हो, तो उसके ध्यान रखने के लिए डेडिकेटेड कोविड सेल बनी हुई है, जो लगातार उनसे संपर्क में रहती है। जिसको हॉस्पिटल की सुविधा की ज़रूरत हो, जिसको किसी दवाई की ज़रूरत हो या अन्य किसी तरह की कोई भी आवश्यकता हो, उसका हम लोग ध्यान रखते हैं। देखा जाए तो अपनी ड्यूटी कर कई पुलिसकर्मी कोरोना संक्रमण की चपेट में आ चुके हैं, जिनका पुलिस कोविड सेल द्वारा विशेष ध्यान रखा जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, उज्जैन।